लेके हैं बिल्कुल नई महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 में। कार की पहली बार लॉन्च के 20 साल के बाद कार वापस बदली है, पूरी तरह से बदल गई है जैसा कंपनी कह रही है। नाम के अलावा इसमें कुछ भी पहले की तरह नहीं है, बिल्कुल नई डिज़ाइन है, बिल्कुल नया शेप है, बहुत सारे नए फीचर्स आपको सब कुछ बताते हैं इस कार के बारे में। शुरुआत करते हैं इसके लुक से, देख सकते हैं कितना स्पोर्टी स्टाइल है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं स्कॉर्पियो से आपको इस कार में मिल रहा है। बहुत सारी क्लैडिंग है, बड़े पहिए हैं, बड़े बड़े डिमेंशन हैं, बहुत लंबा बोनेट है, बहुत सारी क्लैडिंग है, रूफ रेज है, तो हर तरह की चीज़ जो आप एक एसयूवी से चाहते हैं आपको नई महिंद्रा स्कॉर्पियो में मिल रही है। स्कॉर्पियो के कैबिन में आते हैं और देखते हैं कैसा ही कैबिन। जैसा मैंने कहा पहले से बिल्कुल अलग है कार, तो बहुत सारे फीचर्स कंपनी ने यहाँ दिए हैं। एड्रेनोक्स तकनीक है, कनेक्टिविटी के बहुत सारे फीचर्स हैं, हम पहले इसको XUV700 में देख चुके हैं। टच स्क्रीन है और डिज़ाइन लेआउट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी प्रीमियम है। हम इसके ऑटोमेटिक वर्जन में बैठे हैं तो आप देख सकते हैं अर्गोनॉमिक्स अच्छे हैं। आपके सामने एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन है, स्टीयरिंग भी बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, तो ओवरऑल एक प्रीमियम फील फर्स्ट रो में नई स्कॉर्पियो के। तो सेकंड रो पे देखिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, यहाँ पे आपको मिलती हैं कैप्टन सीट्स और आप बेंच सीट्स भी चुन सकते हैं कार के अंदर। तो एक ऑप्शन है ये, मैं आपको स्पेस दिखा रहा हूँ सेकंड रो में, तो इस सीट को मैं अब स्लाइड तो फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूँ तो मुझे एक हल्की सी कमी लेगी, लेकिन पीछे जाने के लिए एम्पल स्पेस है सीट के बीच में, या सीट को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हैं, आपको दिखाते हैं कि थर्ड रो में कैसा स्पेस है नई स्कॉर्पियो में। तो यह है कार की थर्ड रो। स्पेस के मामले में जैसा ज़्यादातर हम 7 सीटर्स में देखते हैं, यहाँ भी आपको थोड़ी शिकायत हो सकती है, तो अगर आपकी हाइट मेरे जैसी है तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि सीट ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि मेरे सर के और रूफ के बीच में भी बहुत कम जगह है, तो बच्चे यहाँ बैठेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। तो हम बात करते हैं नई स्कॉर्पियो एन की कीमतों की। कंपनी इसको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक, 4x4 कई सारे वेरिएंट्स में पेश कर रही है, लेकिन फिलहाल हमको सिर्फ इसके मैनुअल मॉडल्स की कीमतें बताई गई हैं, तो पेट्रोल और डीजल की। तो कंपनी शुरुआत कर रही है स्कॉर्पियो एन की कीमतों की 11,99,000 रुपये एक शोरूम से पेट्रोल मैनुअल के लिए, और ये जाती है 19,49,000 रुपये डीजल मैनुअल के टॉप वेरियंट के लिए। जैसे मैंने कहा कि अभी ऑटोमेटिक या 4x4 के प्राइस हमें नहीं बताए गए हैं, वो अगले महीने पता चलेंगे, और कार की बुकिंग भी अगले महीने यानी जुलाई में ही शुरू होंगी।